आप इतना प्री यूनिवर्सिटी कर को बुलाते हैं गुलबर्गा को, एक हॉस्टल नहीं मिल सकती है क्या? लड़कियों को रात ही उन्हें हॉस्टल से निकाला जा चुका है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। नाइट में भी खाना बना नहीं दिया, मॉर्निंग में भी नाश्ता नहीं, टिफिन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे करे। अपने घर में ही देखो, एक गर्ल्स को बाहर जाने को नहीं देते और हम इतना दूर आकर भी हम सीख रहे तो भी मॉर्निंग से पानी लाइट सब बंद कर दिया और हम 24 घंटे के अंदर कहाँ जाए? उनके जो घर में बेटियाँ रहते हैं, क्या उनके साथ या अगर ऐसा सल्यूट होता है तो नो क्या करते हैं? This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. सर, यहाँ पे AIDSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सामने। इसका जो मेन मुद्दा है, कल रात के दोपहर में एक शर्मनाक घटना यहाँ पे गुलबर्गा में घट चुका है। इसका जो असर यहाँ पे देख रहे हैं, 200 से ज़्यादा गर्ल स्टूडेंट्स को वो जो रेंटेड रूम था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का नंबर 5 हॉस्टल का, वो वहाँ पे लड़कियों को रात ही उन्हें हॉस्टल से निकाला जा चुका है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। क्या जो ऑफिसर्स हैं, क्या इन्हें मालूम नहीं है ऐसा जो हो रहा है इश्यू बोल के? और साथ ही साथ ये उनके जो घर में बेटियाँ रहते हैं, क्या उनके साथ ही अगर ऐसा सल्यूट होता है तो नो क्या करते हैं? ये सरासर नाइंसाफ है और बेहद शर्मनाक बात है। यहाँ पे इतना बड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे JD है, DC लोग हैं, तालुका ऑफिसर से क्या कर रहे हैं? नो टोटली हाथ पर हाथ बैठकर बैठ चुके हैं। दे आर नॉट कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स एक्चुअली। कोई ओनर स्टूडेंट से ऐसा बदसलूकी नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसको AIDSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जरिए हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और इमीडिएटली मांग करते हैं कि जो भी हॉस्टल है, हॉस्टल का जो प्रॉब्लम्स है, वो चाहे रेंट बिल्डिंग का हो, चाहे खाने का हो, चाहे वो बस फैसिलिटीज़ का हो, जो भी हो, इमीडिएटली स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन दे सके। और आने वाले दिनों में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स उभर के आया तो उसके टोटल जिम्मेदार पूरे के पूरे डिपार्टमेंट हो जाएंगे बोल के हम उन्हें आग्रह करते हैं। AIDSO डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हनुमंत SH बोल दिया। और 24 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करके लगेज लेके जाना बोल रहे। मॉर्निंग से पानी लाइट सब बंद कर दिया और हम 24 घंटे के अंदर कहाँ जाए? नाइट में भी खाना बना नहीं दिया, मॉर्निंग में भी नाश्ता नहीं, टिफिन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे करे। और हमको अम्बेडकर हॉस्टल पर बॉयज हॉस्टल है वहाँ जा बोल रहे, वहाँ नोटिस क्या भी नहीं दिया आपको? कुछ भी नहीं। कल ही जाकर हमें वार्डन मैडम से झगड़ा करके बोले ताला डाल कर जाओ, अभी लगेज बाहर फेंकते बोल रहे हो। अम्बेडकर हॉस्टल लेने हाँ, वो ना बॉयज हॉस्टल के पास जा बोल रहे, पर वहाँ ना प्रोटेक्शन नहीं है, लाइट नहीं है कुछ। हम जाते हैं वहाँ भी, पर हमको प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए लड़कियों को, बस चाहिए वहाँ, और हमको लाइट चाहिए, हमको मेडिसिन लेना होता है नाइट को जाकर, और पानी अच्छा होना चाहिए बोरवेल का। नहीं नहीं, बॉयस वहाँ बॉयस है तो बॉयस को निकालना, बॉयस के बाजू नहीं रहते हम गर्ल्स। हॉस्टल हॉस्टल बहुत गंदी है, सब क्लीन होना और बस होना, हमको सिक्योरिटी सिक्योरिटी होना, लाइट होना। बोलती हूँ, इतने 200 लड़कियाँ हैं यहाँ, 200 लड़कियों को एक प्री यूनिवर्सिटी कर को बुलाते हैं गुलबर्गा में, और एक 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 हॉस्टल नहीं है, हमको इतने लोग हैं ना, तुम इतने लोगों में एक लोग भी हमें कुछ सहाय नहीं कर सकते क्या? इतने तुमको भी समझ में आना ना। वो आया वो ओनर रेंट उसी टाइम में वहीं दे रहा बोल रहा, और मैडम मैडम को बोल रहा बाहर जाओ, तो मैडम क्या करना, 200 लड़कियां हैं, मैं क्या कर को मैम ये करिए? तो मैम के ज़्यादा भी हमको भी थोड़ा ये तकलीफ लगती है ना, कब जाना हमारा गाँव को या क्या? ऑलरेडी हम कोरोना वाले बैच है,
हमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, अब यहाँ आकर हम पढ़ाई करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ भी ऐसा हो रहा है तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे? आप इतना प्री यूनिवर्सिटी कर को बुलाते हैं गुलबर्गा को, एक हॉस्टल नहीं मिल सकती है क्या? वो अंबेडकर के हॉस्टल है कहते, उसमें बॉयज़ है कहते, बॉयज़ को निकालते तुम जाओ बोल रहे, वो ऐसा वाले हॉस्टल में कोई जा सकते क्या? गर्ल्स तो है, हम अपने घर में ही देखो एक गर्ल्स को बाहर जाने को नहीं देते, और हम इतना दूर आकर भी हम सीख रहे तो भी ऐसा क्यों हमें तकलीफ कर रही है? हमें प्रोटेक्शन चाहिए और हमें बस चाहिए, वहाँ कुछ भी नहीं है, लाइट भी नहीं है कहते, उम्र और हमें पीओवी चाहिए, सब चाहिए, सब पूरा क्लीनिंग चाहिए, क्लीनिंग हो तो जब हम जाते, जब तक हम नहीं जाते, हमें हॉस्टल चाहिए तो चाहिए, यही हमें मेरा बोलने का है।